सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कल से आप मुस्कुराइएगा, कल से मुस्कुराइएगा, कल से अगर कोई पंडित मिले तो करीब बुलाइएगा, करीब बुलाइएगा, कहेगा पंडित जी हाउ आर मेनी इयर्स पास्ड, यू आर फाइन, तो कहेगा क्या हुआ, धीरे से कहिएगा, कान में कहिएगा राज चक्रवर्ती साहब आए थे और कह रहे थे अंदर अंदर क्या होता है, कहिएगा अंदर अंदर क्या होता है, वो कहेगा कसम से कुछ नहीं होता, कहेगा ना 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 अंदर तो कुछ जरूर होता है, अंदर तो कुछ जरूर होता है, कहेगा क्या होता है, तो कहिएगा वही होता है जो राज चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, राज चतुर्वेदी साहब आपको पता है, शायद बातें मेरी YouTube पे बहुत मशहूर हुई है कि नहीं, मेरे एक दोस्त हैं पंडित जी, मैंने उनसे कहा यार सही सही बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, तुम लोग जब शादी करते हो तो शादी कैसे कराते हो, कैसे शादी कराते हो, हम लोग को शादी कराते हैं ओपन है, हमारे काजी साहब तशरीफ लाते हैं, है कि नहीं, पहले जाते हैं लड़की से इजाजत लेते हैं, फलाका लड़का, है कि नहीं, ये गवाह है, ये काजी है, तुमने कहा कि इजाजत देती हो, बेचारी कह देती है हाँ देती है, फिर वो आते हैं आकर लड़के से पूछते हैं फलाका लड़की कबूल है, वो बकलोर कह देता है कबूल है, अच्छा शादी के नाम पे जवान तो जवान बुढ़वा लोग कितना खुश हो रहा है, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये दुल्हा से पूछते हैं ना, दूल्हे से पूछते हैं बेटा वजू को बना दिया है, माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं हां वजू बना लिया, वजू है, निकाह पढ़ा दी, चूंकि वजू के साथ निकाह पढ़ाने से मामला ठीक ठाक रहता है, बाद में गड़बड़ घोटाला नहीं होता, बाद में गड़बड़ नहीं होता, तो हजरत गए, अब वो इतना बेचैन था निकाह पढ़ने के लिए, हमारे हजरत गए और जाकर के कहा कि क्यों भाई वजू है, तो कहा कि वजू अब्बा से पूछिए, जब डलवा का सामान बांधे थे तो उसमें बांधा था, उसमें बांध के रखा था होगा, हजरत कुछ ना लगा कर कमबख्त बता तेरे पास वजू है, हजरत मेरे पास नहीं अब्बा के पास है, अब्बा के पास नहीं होगा तो जो डलवा का सामान आया होगा उसमें जरूर होगा, और नहीं होगा तो फोन लगा के अम्मा से पूछिए बांध के रखी है कि नहीं रखी है, ये हालत है कि नहीं, माशाल्लाह, हाँ सही से लोग कलमा भी नहीं पढ़ता भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उठाइए बंदूक भरिए गोली, अब मुझको छोड़ के जिसको चाहिए ठोक दीजिए, सही है यार, पूछे ना इतना ही नहीं है, कलमा सही से नहीं पढ़ता शादी में, पढ़ाई ना लाए 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 इसको लाए लाए में लाए लाए नजर आता है, सही से कलमा नहीं पढ़ता, और नारा क्या लगाएगा, गौस का दामन लगाओ लगाओ, गौस का दामन खाजा का दामन, हाय रे बकलोल, गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, कलमा नहीं पढ़ता ढंग से, कलमा नहीं पढ़ता है ना, सही से कलमा नहीं आता, क्यों, मदरसा थोड़ी जाएगा, संत थॉमस में जाएगा, संत थॉमस में, संत थॉमस में, संत जीनियस में जाएगा, संत जीनियस में, एंड टू एंड में जाएगा, सीना ठोक के कहेगा हजरत क्या बताएं, 5000 रुपए लगा करके एडमिशन कराएं, एक ठो गाड़ी लेके आती है, एक ठो गाड़ी लेके जाती है, एक ठो नौकर छोड़ने आता है, एक नौकर लेके आता है, मैंने कहा सीखा कारे भाई, तो कहा सीएटी कैट कैट में बिल लिटी हो जी, नो नो इस कुत्ता हारे टी रेट रेट पिस चूहा, मैंने कहा हाय रे 10 लाख रुपए लगा के कुत्ता बिल्ली चूहा सिखाया, इसी पे इतना खुश हो रहा है, आ कभी मस्जिद के इमाम से पूछ तुम क्या पढ़ाते हो, तो जानते हो ये तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को तिफले में बचपने में जमीन पे बिठाल के कहता है पढ़ बेटे अलीफ से अल्लाह को पहचान, वो बचपने में घुट्टी में पिलाता है पढ़ मेरे अल्लाह अलीफ से अल्लाह को पहचान, बा से बड़ों का कहना मां, से तौबा कर इंसान, वो तौबा भी बचपन में सिखा रहा है, बड़ों का फरमा बरदार भी बचपन में बता रहा है, अल्लाह के करीब भी कर रहा है, ऐसी तालीम से जब तुम दूर होगे तो फिर वजूद तुम्हारे पास नहीं बक्सा ही मिलेगा, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, हैं, मैं तो शुरू से पंडित जी को बता रहा हूँ, तकरीर ध्यान से सुना करो, ध्यान से सुना करो वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सही बताओ दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोले 5 मिनट, 5 मिनट बोले, हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह,
मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा सही बताइए आप यहाँ जब शादी होती है करते क्या हैं आप? बोले असल में आप लोग का तो ओपन मामला है, आप लोग तो पढ़ लेते हैं, हम लोगों का मामला थोड़ा सा घुमा के होता है। मैंने कहा क्या होता है बताना। उन्होंने कहा सर मामला ऐसा है, हम लोग जब शादी करते हैं ना तो आग को अग्नि देवता कहते हैं, उसी देवता के सामने लड़का और लड़की को वर और वधू को दुल्हन दुल्हन दूल्हा दुल्हन को बिठा देते हैं, और जो पुरोहित साहब होते हैं वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वही असल शादी होती है। आज जब उसने बताया तो हमारी हंसी छूट गई, हम हंसने लगे। उसने कहा चक्रवर्ती साहब क्यों हंसते? हमने कहा छोड़िए जाने दीजिए, हम क्या बताएं। बोले नहीं नहीं बताइए। हमने कहा छोड़िए जाने दीजिए, हमने कहा नहीं बताइए तो सही। हमने कहा हमको पता है कि मंत्र क्या पढ़ते हैं, हमने कहा हमको मालूम है कि काम मंत्र पढ़ते। बोले सही में? हमने कहा हाँ। बोले जरा बताइए तो सही। हमने कहा बताएं क्यों? हमने कहा नहीं बताइए तो सही। हमने कहा एक शब्द पे बताऊंगा। बोले बोलिए। हमने कहा मंत्र मैं बताऊंगा, तर्जमा आप बताइएगा। उन्हें कहा डन डन। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जब आपके यहाँ वर और वधू लड़का और लड़की दूल्हा और दुल्हन आपके सामने जब खड़ा होता है, जब उसकी शादी होने लगती है, उसको अग्नि के सामने घुमाया जाता है, जो पुरोहित जी होते हैं जो पंडित जी होते हैं वो दोनों का ऐसे कपड़ा बांध देते हैं, पल्लू बांध करके उसको घुमाते हैं और कहते हैं हे पापताप विधायक विद्यो देते वेगम स्वाहा, हे पापताप विधायक विद्यो देते वेगम स्वाहा। पंडित जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा हाँ यही पढ़ाया जाता। हमने कहा इसका मतलब बता दीजिए हमसे, धीरे से कान निकले, छोड़िए जाने दीजिए, नहीं बताएंगे, अंदर की बात है, अंदर रहने दीजिए। उन्होंने कहा अंदर की बात है, अंदर रहने दीजिए। हमने कहा अंदर की बात है तो बताइए। उन्होंने कहा बताइए, बताऊंगा एक शर्त पे। मैंने कहा शर्त बताइए। बोले शर्त ये रहेगी कि हम बता तो देंगे आपको, लेकिन प्रॉमिस कीजिए किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा यू प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ आपको नहीं बताऊंगा, आपको छोड़कर पूरी दुनिया को बता दूंगा। पता तो चले अंदर हो क्या रहा है। मैंने कहा मतलब बताइए। हे पाप ताप विदाया विदो देते वे गम स्वाहा। पंडित जी ने कहा इसका मतलब ये होता है वर और वधू लड़का और लड़की दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप गलती गुनाह खता किया है आज अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। हम हंसने लगे। कहा हंसे क्यों? मैंने कहा क्या घुमाया है, इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया भी नहीं घुमाता है। उन्होंने कहा क्यों चतुर्वेदी साहब? मैंने कहा एक बात बताइए, अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म हो जाएगा तो हम पूर्णिया मिलकी जा रहे हैं, हम अपनी बहनों से कह देंगे मंत्र बहुत छोटा है याद कर लो, और जब रात को तुम्हारा पति थकार के घर आए और किसी बात पर जब झगड़ा हो तो झगड़ा मत करना, चूल्हे के करीब बिठाना और उसके सर पे यूं पढ़ना है पाप ताप विधाया विद्यो देते वे गम स्वाहा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। किताब लिखी जिसका नाम रामचरितमानस है। मैंने कहा तुलसीदास जी यहाँ तो पंडित जी कह रहे मंत्र के पढ़ने से पाप खत्म होता है, आप बताइए ना पाप कैसे खत्म होता, गुनाह कैसे खत्म होता, बुराई कैसे खत्म होती है, गंदा सीना चमकाया कैसे जाता है और चमकते हुए सीने को मुस्तफा का मदीना कैसे बनाया जाता है। स्वामी तुलसीदास कहते हैं ए नबी का गुलाम अगर पूछेगा तो बात सच्ची बताऊंगा चाहे कितनी भी तल्ख हो। मैंने कहा बात बताइए, अब मैं मिल्की में मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा मजमा बोल करके बताना कि तुम आका का जिक्र पंडित की जुबानी कैसे सुनते हो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सुन, पाप अगर खत्म करना है तो एक काम कर। मैंने कहा कौन सा काम? तो तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पचपात कछुरा कहो, वेद पुराण संवंत भा कहो, संवत विक्रम कहो, अनंगा महा कौक नरसेज दुपंगा, तब से मान हो जंत में गारे, तिन को वंश भयो अभितारे, तब तक सुन नर माते को बिना मोहम्मद पारी ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंडित जी क्या कहते हैं? तब तक सुन दर माते को बिना मोहम्मद पारी ना हो। तुलसीदास आगे कहते हैं सुन तारा मुख कवल मोसे का और नामे माते जागी जागी छाय। हाय हाय हाय
पंडित जी कहते हैं यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर सीने को पाक करना है, सीने को चमकाना है, तो एक काम वो कर ले जो हम हर हिंदू के कान में गुरुमुख करते वक्त करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? वो कहते हैं हर हिंदू के मरने से पहले कान में गुरुमुख करते वक्त यही कहते हैं, बेटे दुनिया में जो करना है कर ले, अगर बैकुंठ यानी जन्नत में जाना है तो मरने से पहले मदीने वाले का नाम लेना पड़ेगा। किस मदीने वाले का नाम लेना पड़ेगा? आपके इसी बिहार के भोजपुर का एक शायर कहता है, अरे रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इसका मतलब कि आप लोग भोजपुरी नहीं समझते ना, समझते हैं? तो फिर आपको यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जरा मचल के कह दो ना सुभान अल्लाह। रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला, हमके ते बहु नगरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। जबान कोई भी हो उसकी लज्जत लो, उसकी लज्जत लो। इसी बिहार के भोजपुर का शायर अपने नबी की शान इस्लाम की तालीम को कैसे बता रहा, वो कहता नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हम के ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। मुस्कुरा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह।